हेलो फ्रेंड, एनसीईआरटी कांसेप्ट ग्रुप क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है क्लास टेंथ की, लेसन नंबर 2 एसिड बेस साल्ट, हमने पढ़ा पिछले वीडियो में। एसिड बेस साल्ट के बारे में पढ़ा, इनकी सारी की सारी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है। भी एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं, और इनके एग्जाम्पल भी पढ़े हमने एसिड बेस और साल्ट के। आज पढ़ेंगे दोस्तों इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। पहले पढ़ा हमने फिजिकल प्रॉपर्टी और आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो आशा करता हूँ यदि आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद ये अगला कंटेंट पढ़ें आप, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे ही बने रहें हमारे साथ और आज स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है दोस्तों। क्लास टेन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों एसिड बेस साल्ट के बारे में पढ़ते हैं। इनके बारे में तो हमने पढ़ लिया, अभी एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं। आप पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और बेस की और साल्ट की, ठीक है। इससे पहले पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी, आप पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का जो हमारा जो कंटेंट है। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या है एसिड की, सबसे पहली बात क्या है, जब एसिड को और बेस को रिएक्ट करते हैं किसके साथ दोस्तों, मेटल के साथ, कोई भी मेटल है उसके साथ एसिड को और बेस को हम रिएक्ट कर देते हैं तो हमें फ्रॉम साल्ट एंड H2 गैस हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, सीधी सी बात है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। सीधी सी बात है, इधर लिख देता हूं मैं, एसिड को और बेस को हम रिएक्ट करवाते हैं दोस्तों तो हमें साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है दोस्तों। पहली केमिकल प्रॉपर्टी यही है, ठीक है ना। एसिड को बेस को दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। जी हाँ दोस्तों, ये आपको पहली प्रॉपर्टी याद रखनी है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, कोई एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया हमने, मेटल ले ली, जिंक ले सकते हो और अदर मेटल ले सकते हो, ठीक है। तो हमने ये दोनों ले लिए, एसिड ले लिए और मेटल ले ली, हमारे पास क्या मिला, हमें जड़न सीएल क्या मिला, जिंक क्लोराइड, ये हमें साल्ट मिला और गैस कौन सी मिली दोस्तों, हाइड्रोजन गैस हमें मिली, ठीक है। ऐसे ही यदि बेस की बात कर लेते हैं, यदि बेस के साथ हम रिएक्ट करा देते हैं किसको, मेटल को, हमने बेस के साथ क्या किया, मेटल को रिएक्ट करवा दिया, तब भी हमारे पास क्या आएगा, साल्ट और हाइड्रोजन, ठीक है ना दोस्तों। तब भी हमारे पास क्या आएगा, ये दोस्तों मेटल थी इधर, ये बेस के साथ मेटल की बात थी, ठीक है, बेस और मेटल के साथ साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ये बेस है दोस्तों। बेस कौन से होते हैं, जिसके जिसके डिकम्पोज करेंगे तो OH नेगेटिव हमें प्राप्त हो, ठीक है। और जिंक के साथ इसकी रिएक्शन करा दी हमने, क्या मिला दोस्तों, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी इसकी, एसिड की और बेस की। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं, जब मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो हमें प्राप्त होता है साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब बात कर लेते हैं, हम जब रिएक्शन कराते हैं दोस्तों, किसकी रिएक्शन कराते हैं, किसी मेटल कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोजन है, ठीक है, उसकी जो रिएक्शन हम एसिड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, साल्ट मिलता है और साथ में क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या मिलती है, पानी मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, देखिए इसमें हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट को लिया और फिर क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने एसिड ले लिया दोस्तों, ठीक है। हमारे पास क्या मिला, सोडियम क्लोराइड और वाटर और जल। देखो मैंने बताया था हमें साल्ट मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, हमें मिला या नहीं मिला, बिल्कुल मिला, ठीक है। अब जो तीसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में और देख लेते हैं, जब एसिड एंड बेस को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, दोनों को ईच अदर, दे प्रोडक्ट, जो इनका प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलता है, आर साल्ट एंड वाटर। अब दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, एसिड को भी और बेस को भी, तीसरी प्रॉपर्टी है ये केमिकल प्रॉपर्टी है तीसरी, इसकी एसिड बेस और साल्ट की, बेस और एसिड को जोड़ दिया तो हमें साल्ट और वाटर मिला, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ
और हमारे पास क्या मिलता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड और H2O। ये दोस्तों NaCl है, इसका फॉर्मूला है, साधारण नमक का फॉर्मूला है, ठीक है, जो हम आमतौर पर खाते हैं, ठीक है, यूज करते हैं घरों में सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। और नमक कैसे बनता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों अगले पार्ट में, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टी थी किसकी, एसिड की, बेस की, साल्ट की। तो इससे जो अगला नेक्स्ट कंटेंट है वो मैं करा रहा हूं अभी, वो देखिए बोर्ड पे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी उसके बारे में देखिए। एसिड बेस साल्ट की जो चैप्टर चल रहा है उसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी किसकी, एसिड बेस साल्ट की, हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, उसमें देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी और एक पांच प्रॉपर्टी है, टोटल चार पांच प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी। पेपर में ये लिखना, आपको ज्यादा मत लिखना, ठीक है। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस प्रोड्यूस क्या करते हैं, दोनों मिलके साल्ट एंड वाटर, क्या कहलाती है वो दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम समझ सकते हैं इसको, देखिए बेस ले लीजिए, एसिड ले लीजिए, ठीक है, एसिड और बेस को मिलाकर के जो रिएक्शन होती है हमें क्या प्राप्त होता है, साल्ट एंड वाटर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, साल्ट एंड वाटर। तो बेस और एसिड मिलाकर के क्या बना दोस्तों, साल्ट और वाटर। तो डियर स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ, हमारे पास क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर, ठीक है। देखिए मेटल ऑक्साइड ले लिया हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, और एसिड ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पर एसिड हम नाइट्रिक एसिड भी ले सकते थे, H1O3, ठीक है, बट हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी एसिड ले सकते हैं, ठीक है, तो हमने, और इधर मेटल ऑक्साइड भी कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या मिली, हमने मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में क्या मिला दोस्तों, हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर मिला, ठीक है। तो यही इसने कहा था इस प्रॉपर्टी में, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस ए साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेस और एसिड मिलकर के क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने ये समझा दिया है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, वेहन नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस, द प्रोडक्ट आर साल्ट एंड वाटर, मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेस इन नेचर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद करना पड़ेगा आपको, एक नंबर में पूछ सकता है पेपर में, खासकर सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेटल ऑक्साइड है वो आमतौर पर बेसिक होता है नेचर में। जी हाँ, कैसा होता है, मेटल ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक उसका जो नेचर होता है, जब कोई नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, साल्ट और वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया जाता है आपको, देखो रिएक्शन ऑफ एसिड, अगली जो प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन, रिएक्शन देखनी है किसकी, एसिड की और बेस की, क्या मिलेगा हमें, वाटर सॉल्यूशन के साथ। ये कह रहा है कि एसिड को हम पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन मिलता है। देखिए एसिड का एग्जांपल लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पानी का जो फॉर्मूला आपको पता है H2O होता है, और हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट पे बताना दोस्तों, कल मैंने बताया था आपको, ठीक हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट में अपने कमेंट करना आपने इसके बारे में, ठीक हैवी वाटर का ये फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला बताना है। HCl की बात करते हैं और हाइड्रोजन ऑक्साइड की बात करते हैं, दोनों को हमने रिएक्ट कराया तो हमारे पास H3+O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिला, क्यों, एसिड है बेस है, एच पॉजिटिव मिल रहा तो एसिड है, यदि OH नेगेटिव मिलता तो सोचते हम बेस के बारे में। तो बेस की बात कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दी हमने जल के साथ तो हमें क्या मिला, सोडियम प्लस में OH नेगेटिव, यहां से हमें क्या मिला दोस्तों, बेस मिला, ठीक है। ये थी केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, एसिड बेस एंड साल्ट की। आप पढ़ेंगे हम पीएच स्केल के बारे में दोस्तों, ठीक है ना, पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। जो नेक्स्ट
टॉपिक है हमारा दोस्तों है पीएच का। पीएच के बारे में पढ़ेंगे आज। पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे आम लाइफ में भी यूज होता है, पीएच का फॉर्मूला जो है। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है, पीएच का अर्थ क्या है, देखिएगा। पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये क्या होता है, पीएच का मींस होता है। ठीक है, अब डिफाइन करना पूछ सकता है ऊपर में, डिफाइन पीएच एंड पीएच स्केल। ठीक है, तो पूछ लिया जाए यदि आपको परिभाषा दीजिए पीएच की, तो परिभाषा देनी है आपको द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड एज पीएच। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड एज पीएच। इट डिटरमाइन हाउ स्ट्रॉन्ग एंड एसिड एंड बेस इज पीएच। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एसिड के बारे में पढ़ेंगे हम, तो हम जानेंगे पीएच से कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक एसिड है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है ये याद रखना आपको, पीएच का फॉर्मूला क्या है, पीएच इक्वल है माइनस का लॉग 10, ठीक है, एच पॉजिटिव, या हम इसको लिख सकते हैं पीएच इक्वल है माइनस का लॉग 10। ठीक है, मल्टीपल में ये, ठीक है, इधर और H3O पॉजिटिव। ठीक है ना दोस्तों, तो यहां से हम देख सकते हैं जो पीएच जो होती है, ठीक है, पीएच का डिफाइन करना पूछा जाए आपसे ऊपर में, तो आप बता सकते हैं द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड एज पीएच। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहां से हमने देखा पीएच स्केल के बारे में देखा। ठीक है, भाई पीएच मींस क्या होता है, पीएच की डिफाइन कैसे करते हैं, आप पढ़ेंगे हम पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे हम दोस्तों पीएच।